हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद अफा खान। और ये पहले मैंने कैमरा ऑन किया, उसके बाद मैं गाड़ी से बाहर गया और दोबारा आया। इतना कुछ करना पड़ता है इस व्लॉग के लिए। टुडेस व्लॉग इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा और आप लोगों के सवाल मैं बाकायदा प्रिंट करके आया हूँ। सो द क्वेश्चन इज उसामा सफदर की जानिब से, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन एंड योर जॉब। इसके लिए ये वीडियो देखें। जी उसामा ने पूछा कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि जी मैंने बीएस किया हुआ है मैस कम्युनिकेशन में पाकिस्तान से। माय जॉब, और इसका ऑफिशियल आंसर मैं अपनी मैनेजर से दिलवाता हूँ। यस मौना, अफाक वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, ओके, केम इन फॉर अ वॉइस टेस्ट टू बिकम अ प्रेजेंटर एक्चुअली, ओके, बिफोर यू नो इट he was thrown into the deep end, okay, into production, all right, where he learned how to make adverts without any assistant from anyone, really, with your without guideline. Any training, mashallah. From there, I think, what, 11 months? Yeah, probably. He did about production 11 months, and before you know it, he got promoted as a sales consultant. Oh, thanks a lot. And it's all because of a good manager. When you have a good manager is like a good leader in office. Am I right, Mona? Yes, I agree with you. Okay, thanks a lot. I hope that I am, but of course, CEO has some obviously. Potential in him to become a sales consultant. Thanks a lot for your kind words, Mona. You're welcome. The second question is, Huzaifa Iftikhar, aap aafaq ho? दे दो आपको जवाब एक बढ़ देता हूँ। ओके, मी टू, हु एम आई? अफाक खान। ओके थैंक यू, लेट्स डबल चेक इट। हमारे सबसे बड़े प्रेजेंटर से पूछवाते हैं। तमिश भाई, मैं कौन हूँ? लुक आफाक और कौन हो भाई? अभी यकीन आ गया कि जी हाँ मैं आफाक ही हूँ। जो कि मोहम्मदुल्लाह हम्माद लतीफ़ और मोहम्मद उमेर ने पूछा है कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है। और एक साहब ने तो बड़े स्टाइल में पूछा है कि मींस कि आपका पाकिस्तान से कहाँ और क्या स्टडी क्या और आपने और ब्ला ब्ला ब्ला। तो जी मेरा जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के शहर कराची से है। आई वॉज़ बॉर्न एंड ब्रेड इन कराची। बट अगर आप बिल्कुल जिद्दी पुश्ती देखें तो वो मैं अटक से हूँ। एंड आपने जो कहा कि ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसका जवाब है ब्ला 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 ब्ला। Okay, just kidding. The fourth question is, okay, जैसे ही फोर्थ क्वेश्चन का जवाब देने लगा तो ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई। सवाल ही कुछ ऐसा है, पाक हमजा की जानिब से, निकाह कब करोगे? यार जैसे ही मौका मिला दोबारा से निकाह कर लूंगा। ओके, सो कवल सिद्दीक, सलामत हुसैन, महनूर, जहरा खान एंड अनवारा, अनवारा तो हमारे ऑफिस में भी है, इनका क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ माय बर्थडे। तो मेरी सालगिरह आती है 25 अक्टूबर, साल नहीं बताऊंगा। आसिफुल्लाह का कहना है कि सवाल ये है कि आप हर वक्त शलवार कमीज़ क्यों नहीं पहनते? ये लो आसिफुल्लाह भाई, शलवार कमीज़ नहीं, मैंने पूरा जुब्बा पहन लिया। मैं कोशिश करता हूँ हर वक्त इस तरह के लिबास में रहने की, लेकिन काम की नौइयत कुछ ऐसी है कि मुझे पैंट शर्ट पहनना पड़ जाता है, क्योंकि कभी गोरों में जाना पड़ता है, कभी ऑफिसेज में जाना पड़ता है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न, अदरवाइज़ आई रियली लाइक शलवार कमीज़ एंड जुब्बा। खालिद उस्मान ने पूछा है कि 4 महीने कब लगाएंगे, पक्का वाला इरादा बताएं इंशाल्लाह। और हमारे पास यहाँ बेरी में मरकज़ है तबलीगियों का, वहाँ इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि मेरा एक दोस्त भी जो पाकिस्तान में, वो वहाँ से आ जाए, तो इंशाल्लाह आई ट्राई माई वेरी वेरी बेस्ट टू गो। अगर 4 महीने नहीं तो एटलीस्ट 3 दिन के लिए भी जाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि 3 दिन जाने के बाद मुझे ख़ुद ब खुद 4 महीने के लिए हिम्मत आ जाएगी। अच्छा जी, जुहैब मलिक का मैसेज है कि अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो मुझे उसमें ऐड करें। ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ। जुहैब मलिक साहब, बहुत बहुत माफ़ी कि आप पहले पूछ चुके हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो मैं अपने तमाम के तमाम चाहने वालों को ज़रूर बताऊँगा। बैठ कर पीना चाहिए, बुरी बात। अच्छा जी, फैसल मुश्ताक का कहना है कि भाई आपकी फेवरेट डिश क्या है? भाई मेरी फेवरेट डिश सिर्फ और सिर्फ बिरयानी है, बिरयानी, और मुझे मीठे में सब कुछ अच्छा लगता है। वासिफ अली का कहना है कि आप प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, ज़रूरी काम है। वासिफ अली भाई, आपके लिए इनबॉक्स हाजिर है, आप जब चाहे मैसेज करें, आई विल रिप्लाई यू बैक इंशाल्लाह। गुल कटवा जई का कहना है कि भाई तुम्हारा एक्सपोज पेज कहाँ गया? एक्सपोज पेज मेरा कभी था ही नहीं, वो उन लोगों की मोहब्बत है कि वो मेरी वीडियोज़ शेयर कर लिया करते थे और करते हैं। नासिर खान फ्रॉम इंडिया एंड सहरिश का सवाल है, आपका हेयर गैस वाला स्टाइल चुरा लें? बिल्कुल जी चुरा लें, आपके लिए ही मैंने बनाया है। और नासिर खान का ये भी कहना है
हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा बोलते हो माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी कि आपको मेरा शायर अच्छा लगता है, आप चाहें तो आप उसे अपना सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी की भी अच्छी आदत या अच्छे स्टाइल को चुराना बुरी बात नहीं, कम अज़ कम उससे तो अच्छा है कि आप किसी को भी बुरी आदत अडोप्ट करें। यासीन अनवर ने पूछा, एक चिली मिली ख़त्म नहीं होती, एक मिनट में ज़रा स्टॉप करके चिली मिली ख़त्म करके दोबारा बात कर। अच्छा जी, यासीन अनवर ने पूछा था कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन खादिम हुसैन रिज़वी, इसके बारे में आप ये वाली वीडियो देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मोहम्मद ताहा का कहना है कि आप किस पार्टी को वोट दोगे, इसके लिए ये वाली वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बिलाल मुइन का कहना है कि क्या एफबी के जरिए इंकलाब आ सकता है दुनिया में कहीं भी, या पाकिस्तानियों को प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वोट अच्छे तरीके से दें, जो सियासत आप जानते हैं उस सियासत को फेसबुक पर करने के बजाय प्रैक्टिकल लाइफ में करो तो इंशाल्लाह हम सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। यासिर भट्ट ने कहा है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, जी ये तो बहुत बड़ी डिबेट है, इसके लिए मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो, कीप फॉलोइंग माय पेज एंड सॉरी अगर मैं आपके सवाल को शामिल नहीं कर पाया, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ पार्ट टू ऑफ Q&A सो प्लीज़ डू ड्रॉप द कमेंट्स एंड इंशाल्लाह सून आई विल बी डूइंग माय फर्स्ट रिएक्टिंग टू द रूट कमेंट्स एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड टू माय पेज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।